ऊपर वाले नोजल के हेड को खोलने के लिए पहले हमको ये नोजल इस पाइप से अलग करना पड़ेगा। इसको पहले हथौड़े से मार मार के थोड़ा सा कूटना पड़ेगा, फिर ये अपने आप खुल जाएगा। थोड़ी देर कूट के बाद पानी से ट्राई करना, ये खुल जाएगा। खुलने के बाद इसको लेकर के यहाँ से बीच में से इसको थोड़ा थोड़ा सा कूटना पड़ेगा, जिससे कि इसके आटे थोड़े लूज हो जाए और आसानी से खुल जाए। थोड़ा थोड़ा पानी से इसको कूटते हैं पहले। कूटने के बाद इसको पीछे वाले साकेट को किसी भी जुगाड़ के अंदर फंसाएंगे। मैंने एक जुगाड़ बना रखा है, इसके अंदर मैं इसको फंसा करके इसको खोलूँगा। ये अंदर से एक पाती की टाइप है, जो कि पीछे वाला पार्ट इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। इसको इसके अंदर डालते हैं पहले। अंदर डाल के ये पान ऐसे इसको टाइट कर देना। फुल टाइट कर देना है, ढीले नहीं करनी। मैंने ऐसे जुगाड़ बना रखा है, आप भी किसी जुगाड़ बनाकर ऐसे बना सकते हो। फिर एक वांदरी पाना लेना है, जिसकी सहायता से हम इसको खोलेंगे। इसको इस बीच में फंसा कर इधर खुलता है उधर घुमा प्रेशर देने का। जोर से इसको घुमाएंगे और ये खुल जाएगा। कूटने पर ये जल्दी खुलता है, वरना टूट जाता है कभी कभार। अच्छी तरह कूट के पानी में डुबो के फिर ऐसे खोलने से ये तुरंत खुल जाता है। इसको पूरा का पूरा खोल देंगे। ये देखो खुल गया अच्छी तरह से। अब इसके वाइशर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। स्प्रिंग और तीन वाइशर आते हैं। ये देखो पूरी ऊपर वाला हेड पूरा अलग हो गया। ऐसा जुगाड़ आप भी बना सकते हो, बनाकर इसको खोल सकते हो। ये देखो पूरा अलग हो जाएगा। अभी ये देखो पीछे वाले के भी वाइचर चेंज कर सकते हो, पूरा खोल के नए वाइचर डाल सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और लाइक भी साथ में करें।